नमस्कार बच्चों, सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने एडवर्टाइजमेंट का मैट्रिमोनियल पढ़ा था। आज हम दूसरा इसमें पढ़ेंगे अकोमोडेशन। देखिए, अकोमोडेशन का मतलब होता है आवास संबंधी विज्ञापन। आवास संबंधी विज्ञापन मतलब किराए पर देना या किराए पर लेना। यदि हमें किसी भवन को, किसी बिल्डिंग को किराए पर लेना है या किराए पर देना है, दोनों कंडीशन में हमारा विज्ञापन बनेगा अकोमोडेशन। तो इसमें देखिए, यदि हमें किराए पर देना है तो हमारा जो शीर्षक होगा वो शीर्षक हो जाएगा टॉयलेट। आपने अक्सर देखा होगा बिल्डिंग्स के ऊपर टॉयलेट का बोर्ड लटका रहता है, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कि वो भवन किराए के लिए उपलब्ध है, किराए के लिए खाली है। नेक्स्ट इसमें दूसरा जो विज्ञापन है कि यदि हम किराए पर खुद लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन बनेगा अकोमोडेशन वांटेड। सभी ध्यान दें कि यदि हम किराए पर दे रहे हैं, हमारे पास कोई भी बिल्डिंग है, ठीक है, तो अकोमोडेशन में क्या बनेगा टॉयलेट, और किराए पर ले रहे हैं तो क्या बनेगा वांटेड। एक बात तो हमें ये समझनी है। दूसरा, यहाँ देखिए किराए पर जो बिल्डिंग दी जाती है, एक तो आप देखिए हाउस का प्रश्न आता है कि आपको पूरा मकान किराए पर देना है। एक प्रश्न आता है आपका रूम सेट का, रूम सेट में एक रूम हो जाएगा, किचन और लेटवाथ, ठीक। एक प्रश्न आता है मकान का पोर्शन, मकान का कोई भी पोर्शन हमें किराए पर देना है, मतलब हमने जो मकान बनाया है उसमें एक भाग हमने इस तरह से बनाया है कि हम किराए पर दे सकते हैं। तो पोर्शन, रूम सेट और हाउस, ये तीन बातें हमें याद रखनी है। उससे संबंधित किराए पर देना है। कभी कभी, हालांकि अब तक बोर्ड में कभी आया नहीं, CBSE में भी नहीं आया, RBSE में नहीं आया, ये इनमें से प्रश्न आता है तीनों में से। लेकिन कभी आ जाए कि कोई दुकान हमें किराए पर देनी है तो एक प्रश्न यहाँ पर हमने लिखा है, उसी में हम इन चारों को सीख लेंगे। यहाँ देखें, हमारे पास एक प्रश्न है कि यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस। आप अपने एक नए बने मकान को किराए पर देना चाहते हैं, ठीक है, तो राइट एन एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड। एक विज्ञापन बनाओ और उसको प्रकाशित करो इन द टॉयलेट क्लासिफाइड कॉलम ऑफ ए न्यूज़पेपर। लोकल न्यूज़पेपर, स्थानीय जो समाचार पत्र है उसमें आपको जो टॉयलेट क्लासिफाइड कॉलम है, वरीय का विज्ञापन है, उसमें उसको प्रकाशित करना है। ये बात आप समझ लें, ये प्रश्न में दिया है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या किराए पर देना है, हमें किराए पर देना है अ पोर्शन ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, मतलब किसका मकान है, जो आंसर लिख रहा है उसका मकान है। तो इसमें हमने बताया अभी शीर्षक क्या लिख देंगे, सबसे पहले टॉयलेट लिख देंगे इस तरह से। अब यहाँ देखिए अवेलेबल, उपलब्ध है, जो प्रश्न में दिया है जिस भवन को, जिस बिल्डिंग को आप किराए पर देना चाह रहे हैं उसका नाम क्या उपलब्ध है, पोर्शन ऑफ, देखो योर हटा दिया, ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, बाकी पूरे ये शब्द हमने प्रश्न में से ले लिए। यहाँ पर हमने क्या लिखा, यहाँ पर हमने लिखा जो भवन, जो बिल्डिंग प्रश्न में दी है जिसको हमें किराए पर देना है, यहाँ पर हमने उसका नाम लिखा, ठीक है। उपलब्ध है क्या, ए पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, एक नए बने मकान का कुछ भाग किराए के लिए उपलब्ध है, ये हमें यहाँ लिखना है। एट की बात, यहाँ देखो किस जगह पर है या स्थान लिख दिया, ये क्या आ गया, उसकी सिचुएशन आ गई कि मकान किस जगह है, तो ये तो आ गया स्थान,
ठीक है, ये स्थान का नाम है और ये जो किराए पर भवन देना है उसका नाम है। अब उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं, वहां पर क्या फैसिलिटी मिलेगी, उसके बारे में हमें लिखना है कि जो पोर्शन हम दे रहे हैं उसमें 2 बेडरूम्स हैं, एक हॉल है, सेपरेट और अटैच लेट बाथ्स हैं, यानी कि कमरों के साथ भी लेट बाथ है और अलग से भी है। मॉडर्न किचन, किचन जो है मॉडर्न है, नवीनीकृत है, आधुनिकृत है, ठीक, वेल फर्निश्ड, अच्छी तरह से सजा हुआ है। पार्किंग है उसमें, 24 आवर्स वाटर सप्लाई है, एरी हवादार है, लाइटेड, प्रकाश युक्त है। आप देखिए बहुत से भवन ऐसे होते हैं कि जिनमें बाहर की हवा नहीं आ सकती, बिल्कुल पैक होते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें बाहर का प्रकाश नहीं आता, तो उन मकानों में रहना लोग पसंद नहीं करते, इसलिए हमें लिखना है हवादार, प्रकाश युक्त। ठीक, यहाँ तक एक सेंटेंस बना। अब थोड़ी सी और अच्छी विशेषता दे दें कि लोकेशन इज क्लोज टू मार्केट एंड रेलवे स्टेशन। ज़्यादातर लोग वहाँ रहना पसंद करते हैं कि उनको मार्केट जाने में दिक्कत नहीं हो और कहीं बाहर जाने में दिक्कत नहीं हो। तो हमने लिखा कहाँ पर है मकान, मार्केट के यानी कि नज़दीक है और रेलवे स्टेशन के नज़दीक है। तो ये उसकी थोड़ी सी एडिशनल फीचर हो गई। किराया रेंट अप टू 10,000 पर मंथ, किराया लगभग 10,000 रुपये पर मंथ, ये हमने क्या लिखा, किराया जितना आप लेना चाहते हैं। एक्सक्लूडिंग, दो शब्द हैं, एक तो इंक्लूडिंग एक एक्सक्लूडिंग। तो इंक्लूडिंग अगर लिखेंगे तो किराए में ही वो सम्मिलित है, और एक्सक्लूडिंग लिख रहे हैं तो अतिरिक्त, यानी कि इस किराए के अलावा आपको देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर चार्जेस, बिजली का बिल, पानी का बिल, और भी मकान से संबंधित कोई भी रिपेयरिंग का खर्चा आता है तो वो आपको देना पड़ेगा, ये हमने इसमें लिखा। फोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट, और जानकारी के लिए संपर्क करें, यहाँ पर एक संपर्क का नाम और एक मोबाइल नंबर आप दे दो, एड्रेस की कोई आवश्यकता नहीं है, मोबाइल नंबर से काम चल जाएगा, और लिखना चाहें तो एड्रेस भी आप छोटा सा यहाँ लिख सकते हैं, ईमेल नंबर देना चाहें ईमेल नंबर दे सकते हैं। हाँ, लेकिन याद ये रखें कि यहाँ एड्रेस लिखना बहुत ज़रूरी है, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर, चाहे आप ईमेल के रूप में लिखें चाहे एड्रेस के रूप में लिखें, यहाँ लिखना ज़रूरी है। तो ये क्या लिखा, ये लिखा हमने एड्रेस, ठीक है, ये कहाँ मकान की सिचुएशन है, ये उसका नाम है और ये उसके जनरल फीचर है। अब देखिए, अब इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि मान लो ये प्रश्न तो है कि आपको एक पोर्शन देना है उसका, ठीक, अगर इसमें मकान पूरा हाउस आ जाए, अगर प्रश्न में आ जाए कि यू वॉन्ट टू लेट आउट योर हाउस, ठीक है, आप अपने मकान को किराए पर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना है, अवेलेबल इस पूरी जगह पर क्या लिख देंगे, इस स्थान पर क्या आ जाएगा, जो हमने बॉक्स बनाया है ये जो बॉक्स में बंद है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हाउस, अवेलेबल हाउस ऑन रेंट एट, यहाँ पर स्थान का नाम प्रश्न में नहीं दिया, हम यही रहने दे सकते हैं। और पूरे मकान में देखो कमरों की संख्या यहाँ बढ़ सकती है, नहीं बढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बढ़ा दो, क्योंकि पूरा मकान है तो हो सकता है कमरे ज़्यादा होंगे, बाकी और सारी विशेषताएं आप सेम लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में नाम भी नहीं दिया तो नाम भी आप यही लगा सकते हैं। तो हाउस के प्रश्न में क्या बदला, केवल हमने यहाँ पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस ये जो आ रहा है, क्योंकि ये इस प्रश्न के अनुसार आ रहा था, ये इसकी जगह हमें हाउस लिखना है। पोर्शन का अभी ये प्रश्न हमने कर ही लिया, अगर रूम सेट का आता है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, अवेलेबल है रूम सेट, यहाँ पर क्या जाएगा, रूम सेट ऑन रेंट, कहाँ पर है स्थान आ जाएगा। अब रूम सेट में देखो क्या दे रहे हैं, रूम सेट में क्या होता है, एक रूम और एक किचन, तो हमें यहाँ पर देखो 2 बेडरूम्स को, इसमें 2 की जगह A1 रूम्स, ए बेडरूम हो जाएगा, हॉल उसमें नहीं होगा, ठीक, सेपरेट एंड अटैच लेट बाथ ये हो सकता है, ठीक, किचन मॉडर्न किचन ये हो सकता है, वेल फर्निश्ड हो सकता है, पार्किंग के लिए जगह हो सकती है, बाकी ये सारी विशेषताएं हो सकती हैं, फिर किराया थोड़ा सा यहाँ कम हो जाएगा। तो बदला क्या, देखो एक तो यहाँ रेंट आपको बदलना है, दूसरा यहाँ पर आपको एक तो हॉल हटाना है या एक रूम करना है, बाकी इनको नहीं लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों को हटा दो,
क्योंकि रूम सेट में ही आ गया। रूम सेट का मतलब है एक रूम और एक किचन, ये होता है ठीक। अब किचन में थोड़ी विशेषता है इसलिए ये थोड़ा सा बढ़ा दिया। बाकी आप सेम लिखो, यहाँ किराया थोड़ा सा कम कर देंगे और एड्रेस भी ये रह जाएगा। तो ये रहा आपका रूम सेट का प्रश्न। अब दूसरी बात आती है, अगर शॉप का प्रश्न आ जाए, शॉप के प्रश्न में आपको क्या करना है, अवेलेबल है शॉप यहाँ पर बदलना है ऑन रेंट एट। अब यहाँ देखो हमने लिखा प्रताप नगर जयपुर, तो आप शॉप देखो कॉलोनी जो होती है उनमें कोई शॉप नहीं लेगा, अच्छी जो शॉप होगी वो मार्केट में चलती है, तो आप यहाँ थोड़ा सा मार्केट लिख दें, चाय वाली इसी में मार्केट लगा दें, प्रताप नगर मार्केट जयपुर। तो यहाँ पर आपको मार्केट का नाम लिखना पड़ेगा ठीक। उसमें बेडरूम होती नहीं, हॉल होता नहीं, तो ये हट गया ठीक। अब यहाँ सेपरेट एंड अटैच एट बात ये लिख सकते हैं दुकान में, क्योंकि ये होती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किचन नहीं होता तो ये हटा देंगे आप ठीक है। वेल फर्निश्ड पार्किंग 24 आवर वाटर सप्लाई पूरी लाइन सेम आ सकती है, किराया ये रहने दे सकते हैं आप, बाकी सबको सेम रहने दो। तो एक तो स्थान में यहाँ मार्केट लगाना है, दूसरा यहाँ शॉप लिखनी है, और ये शब्द दोनों तीनों हटाने। तो इस तरह से आपका शॉप का प्रश्न भी तैयार हो गया। तो ये देखो इम्पोर्टेंट है, अकोमोडेशन एग्जाम में आता है, तो थोड़ा सा आप इसको ढंग से करें, और कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता दें। एक बार और मैं थोड़ा सा आपको इसको क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ देखो अकोमोडेशन पढ़ रहे थे हम, यदि किराए पर हम दे रहे हैं तो आ जाएगा टॉयलेट शीर्षक, और ले रहे हैं तो अकोमोडेशन वांटेड आ जाएगा। एक प्रश्न हमने यहाँ लिखा कि यू वॉन्ट टू लेट आउट अ पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, आप अपने एक नए बने मकान को किराए पर देना चाह रहे हैं इसका एक भाग, तो उसके लिए विज्ञापन लिखो और अखबार में प्रकाशित कराओ। टॉयलेट हमने लिखा अवेलेबल उपलब्ध है पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, यहाँ पर देखो प्रश्न में पोर्शन ऑफ न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस दिया है तो यही लिखा। यहाँ प्रश्न में हाउस होता केवल तो हाउस लिखते, रूम सेट होता तो रूम सेट लिखते ठीक, शॉप होती तो शॉप लिखते पूरे शब्द, या स्थान का नाम प्रश्न में दिया होता तो वही लिखते, नहीं तो ये याद कर लो। केवल शॉप में अंतर करना है या मार्केट और जोड़ना है। टू बेडरूम्स देखो हाउस में यहाँ कमरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, रूम सेट में ये हटा दो, पोर्शन में रहने दो, सेम आ जाएगा। केवल शॉप में ये हटाना है मॉडर्न किचन, बाकी सभी में रहने दो, सेम पूरा लिख दो ठीक है। रूम सेट में थोड़ा किराया कम करना है, बाकी सेम लिख दो। तो इस तरह से ये प्रश्न आपको करना है, इनको आप लिखते चले और साथ में जो लेसन चल रहा है उसको भी करते चले, इस तरह से आपका जल्दी कोर्स कवर हो जाएगा ठीक है। तो ये आप कर रहे हैं, और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएँ। ये देखो राजस्थान बोर्ड के बच्चों के साथ साथ CBSE बोर्ड में भी ये सिलेबस है, ये आपको काम आएगा। दूसरी बात, जो बच्चे ग्रेजुएशन में चाहे BSc कर रहे हों या BA कर रहे हों या फिर वो BCom कर रहे हों, तो फर्स्ट ईयर में उनका कंपलसरी इंग्लिश का जो पेपर होता है उसमें एडवर्टाइजमेंट उनके सिलेबस में है, तो आप थोड़ा सा सीख लें, ये उनके लिए भी काम आएगा ठीक है। इसलिए चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुँचाएँ, ताकि सबको इसका लाभ मिले ठीक है। मिलते हैं आगे, थैंक यू।